हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब में। और आपको पता होगा कि 2/11/2018 की नाइट को आपका आरआरबी का रिजल्ट एलपी टेक्नीशियन का है ना अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। तो चलिए अपन चेक करते हैं कि किस तरह से उसको चेक करना है अपन को। तो आप सबसे पहले अपन को सबसे पहले जाना है दोस्तों, यूसी ब्राउज़र खोल लीजिएगा और इसमें डालिएगा आप सरकारीरिजल्ट.com। ये सरकारीरिजल्ट.com के बाद में ये आ गया आपके सरकारीरिजल्ट.com, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब ये आ गया दोस्तों, इसमें आप देखिए रिजल्ट में देखिए ये दिखा रखा रिजल्ट एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब। इस रिजल्ट में देखिए आपके सामने ये ऊपर ही ऊपर डाल रखा है इसमें आरआरबी एलपी टेक्नीशियन रिजल्ट 2018। यहाँ क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये खुल गई है एप्लीकेशन। एक मिनट, ये खुल गई है। अब ये आ गया आपके जोन वाइज असिस्टेंस लोको पायलट टेक्नीशियन पोस्ट जोन वाइज डिटेल। तो अब दोस्तों आपने जिस भी जोन में से भरा है ना उसके सामने ये आगे लिख रखा है डिटेल में क्लिक हियर क्लिक हियर। तो ये आपकी वहाँ की डिटेल है जोन वाइज की। और इसके नीचे है जो ये आ गया आपके रिजल्ट, ये इसमें ये देखिए दोस्तों ये आ गया आपके जैसे इसमें दे रखा डाउनलोड आल आरआरबी स्टेज फर्स्ट रिजल्ट 2018 है ना। तो इसमें आप क्लिक करिएगा। तो ये क्लिक करा अपन ने, ये आ गया आपके जोन वाइज कट ऑफ रिजल्ट लिंक। ये यहाँ पे क्लिक करोगे कट ऑफ के नीचे तो कट ऑफ आ जाएगा। जैसे ये है सभी रेलवे का आल आरआरबी रिजल्ट और आरआरबी अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, चेन्नई है, अजमेर है, भोपाल है, सब जगह है। तो इसके अंदर आपको चेक करने के लिए इसके सामने जो भी जिस जोन से भी आपने भरा है उसके सामने क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आपको है ना ये पहला अहमदाबाद इसे चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा है ना। ये नोटिस ये पीडीएफ डाउनलोड होना मांग रहा है आपके सामने, तो इसको डाउनलोड करते ही आपके सामने रोल नंबर की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और उस रोल नंबर में आप चेक कर सकते हो। और अब दूसरी बात आती है आपके सामने कि आपका स्कोर कैसे चेक करें कि आपके है ना फर्स्ट आंसर की में कितने नंबर थे, सेकेंड में कितने थे और नॉर्मलाइज होने के बाद आपके कितने नंबर आए। तो उसमें देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है इसमें नीचे लॉग इन टू व्यू स्कोर कार्ड, यहाँ पे क्लिक करिएगा ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक लिंक खुलेगा दोस्तों। इस लिंक में आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ और ये जो है यहाँ पे मांग रहा है ये इमेज, इसके नंबर यहाँ पर डाल के और लॉग इन कर दीजिएगा। आपके सामने जो है पूरी डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।